सर जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में सारे लोग इंक्लूडिंग माइसेल्फ, हम सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब के एक विजन के पीछे सारे ही चल रहे हैं और उसी पे फोकस है। एक ही वन पॉइंट एजेंडा है जो कि बड़ा क्लियर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी इसी के पीछे हैं। एक ही मेन चीज़ जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही है। उसी सिलसिले में अभी जो हमारे असद उमर साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ पे, उनका भी जो मकसद है वो भी यही है कि यहाँ पे इसके लिए लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से जो प्रिपरेशंस हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वो उसको देखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि मोटिवेशन मिली है, असद उमर साहब आ रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। पहले जितना काम हो रहा था उससे अभी जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब भी बड़े लीडर असद उमर साहब जो हैं वो चुनका खान साहब के करीब तरीन साथी होने की वजह से उनकी एक वैल्यू जो है वो पार्टी में बहुत ज़्यादा है, उसी वजह से जब वो आ रहे हैं तो हमारा लेवल भी, हमारा मोटिवेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बाकी भी जितने भी हमारे कारकुन हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, MPs आते हैं, जितने भी लोग हैं, MNAs हैं, सारे लोग पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां हो रही हैं। और इंशाल्लाह कल का जो होगा वो तोबा की हिस्ट्री का फकीदल मिसाल वेलकम किया जाएगा असद उमर साहब को। उसी सिलसिले में जो मेरे हलके से मेरी पार्टी, मेरे दोस्त, मेरे हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं मेरी क़यादत में, वो इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा काफिला अरेंज कर रहे हैं हम, जिसमें तकरीबन 1200 से प्लस बाइक्स होंगी और 200+ कार्स होंगी, बाकी जो लोग पैदल होंगे जिस तरह भी है हम अपने हलके में इंटरेस्ट पे उनको जो है वो वेलकम करेंगे। और बाकी का शेड्यूल आप लोगों को पता है कि वो गोजरा से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कमालिया में जाके करेंगे। तो इसमें जो इस वक्त करंट सिचुएशंस हैं वो टोटल उसका मकसद भी लॉन्ग मार्च है, और लॉन्ग मार्च का मकसद जो है वो बड़ा क्लियर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हमारी चाहिए हुकूमत को कि वो इस बात को तस्लीम कर ले, समझ ले, इस मुल्क में अनार्की फैलने की बजाय और इन चीज़ों के मामला इस हद तक ख़राब करने की बजाय, बड़ा सिंपल एजेंडा है, बड़ी सिंपल डिमांड है, तो ये इस पर किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए जो कि किया जा रहा है या उसको दबाने की कोशिश की जा रही है जो कि अब पॉसिबल नहीं रहा। तो इसी सिलसिले में जितनी भी एफर्ट्स हो सकती हैं हम कर रहे हैं और हम करेंगे जब तक कि हमारा मुतालबा जो है वो मान नहीं लिया जाता। तो हमारा बड़ा क्लियर एजेंडा है और ये सब लोगों को पता चल चुका है, पूरी कौम को भी है, और जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन हम आपने देखा कि हम लोगों ने जब लाहौर लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा काफ़िला लेके हम यहाँ से लाहौर तक पहुँचे। हमारा जितने भी काफ़िले या इस सिलसिले में जितनी भी एफ़र्ट्स होंगी उसमें हम बड़ा क्लियर हैं, हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, हम खुद भी बड़े क्लियर हैं, हमने अपने कारकुन को भी बड़ा क्लियर रखा हुआ है कि कहीं पे भी किसी भी किस्म का ना तो लोगों को डिस्टर्ब किया जाएगा, ना हम ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेंगे, हम एक साइड पे रहते हुए अपने आप को, अपने काफ़िले को मैनेज करेंगे ताकि आम लोगों की ज़िंदगी जो है जो पहले ही इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से अजीर्ण हो चुकी है उसको मज़ीद डिस्टर्ब ना किया जाए। उसमें एम्बुलेंसेस के लिए या जो भी ट्रैफिक है उसके लिए हमेशा बात रखा जाएगा। हमारा जो पहले लाहौर काफ़िला हम लेके गए उसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके लाहौर पहुँचने तक और वापस आने तक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस रखा कि किसी भी सरकारी अमलाक का कोई भी नुकसान ना हो, कोई एक पौधा भी, एक टहनी भी ना टूटे, कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, ना ही लोग डिस्टर्ब हों। और अभी भी हम इस बात को बिल्कुल फोकस रखेंगे, कल के लिए भी, असद उमर साहब के इस्तकबाल में भी, और उसके बाद जब हम लॉन्ग मार्च के लिए जाएंगे उसमें भी हम इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि किसी के लिए भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, क्योंकि सारे हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से तलक रखते हैं, वो जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, वो हमारे एजेंडे पे या हमारे लीडर के विजन पे वो मुत्तफिक हैं या नहीं है, इसके बावजूद हमारे लिए सारे ही मुकदम हैं। हम अपने लीडर इमरान खान साहब के विजन को फॉलो कर रहे हैं और उसके पीछे हैं, और उसके लिए हम हर तगोदो करेंगे, और जब तक वो मिशन वो कंप्लीट नहीं हो जाता फिर एंड फेयर इलेक्शन हम इसी तरह से एहतजाज, लॉन्ग मार्च, कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। लेकिन इसमें हम किसी भी किस्म की, किसी भी दूसरे लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की अमलाक के लिए, रोड्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। वो बहुत ही पुरअमन और वेल ऑर्गेनाइज होगा। थैंक यू।